वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और शो का वो पड़ाव जब दर्शक हमारे शो में शिरकत करते हैं और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के नुस्खे उन्हें देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आदित्य शाह, फाउंडर हर्क्यूलिस एडवाइजर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। पहले दर्शक मेरे साथ के महतो जुड़ गए हैं। नमस्कार महतो साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? चलिए, शायद ये फ़ोन लाइन पर नहीं है मेरे साथ। और इनका सवाल जो इन्होंने दिया है आदित्य, वो ये कह रहा है कि 25 साल बाद इन्हें चाहिए 1 करोड़ रुपए, और पूछना चाह रहे हैं कि इस टारगेट के लिए इन्हें कितनी राशि का निवेश करना होगा और किस तरह के फंड्स जो हैं इन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने होंगे। फ़ोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है, वरना हम कुछ और डिटेल्स इनसे ले लेते कि ये कितना निवेश कर पाएंगे या कितनी फ़िलहाल उनकी बैंडविड्थ है। बहरहाल जितने से भी आप शुरू कर सके उतने से आपको शुरू करना होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट अमाउंट 25 इयर्स में, 25 साल में किसी को अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हो तो कितना परसेंट रिटर्न देख कर आपको लगता है कि 1 करोड़ मिल सकते हैं 25 साल में? मैम, एक बहुत अच्छी बात है कि टाइम होराइजन बहुत लंबा है। इन्वेस्टर को अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए 25 साल के अंदर और मैं एक 10% का रिटर्न अज्यूम करूं, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को नियरली अबाउट 7,000 रुपये, 6 से 7,000 रुपये की SIP करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से इस एज में 6 से 7,000 रुपये की SIP बहुत अफोर्डेबल SIP है और वो कर सकते हैं। लंबी अवधि का निवेश है तो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में निवेश करना होगा। सिंस 6 या 7,000 रुपये ही हैं तो मैंने ज़्यादा फंड्स नहीं डाले हैं, 2 फंड्स डाले हैं, एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जो कि डाइवर्सिफाइड फंड है। इन दोनों ही फंड्स में रिस्क बहुत कंट्रोल रहेगा क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा और कंट्री के लार्जेस्ट कंपनीज में ये लोग इन्वेस्टेड हैं। तो मेरे हिसाब से 6 से 7,000 रुपये की SIP कीजिए, 2 फंड्स में SIP कीजिए, ज़्यादा फंड्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12% का भी रिटर्न आपको मिल जाएगा तो आप अपने गोल को आराम से रीच कर पाएंगे। बस शर्त ये रहेगी कि 25 साल तक डिसिप्लिन वे में SIP करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं महतो साहब के सवाल से तमाम दर्शकों को समझाना चाहती हूँ वो ये है कि आप जो लक्ष्य आँकते हैं, आप तो लंबी अवधि का सोचते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत 10 साल बाद हो सकती है, 15 साल बाद हो सकती है, इस केस में 25 साल के बाद चाहिए 1 करोड़ रुपए। ये समझना होगा आपको कि वो 1 करोड़ रुपए क्या आज के लिहाज से आप कह रहे हैं या 25 साल के बाद के लिहाज से कह रहे हैं। आदित्य, जो फ्यूचरिस्टिक वैल्यू हो जाती है आपके कॉर्पस की, वो किस तरह से घट जाती है? अगर इन्होंने आज के हिसाब से बोला है कि शायद 1 करोड़ लगेंगे, तो 25 साल के बाद यही 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाएगी और कैसे बढ़ेगी, जरा ये भी बता दीजिए। मैम देखिए, हमारे कंट्री के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4 से 6% के आसपास रहती है, तो इतने दर से, ब्याज दर से महंगाई बढ़ती रहती है हर साल, तो आपके जो पैसों की वैल्यू है वो कम होती रहती है। इस तरीके से कि 100 रुपये की चीज आज कोई चीज अगर 100 रुपये में मिलती है तो वो अगले साल 105 रुपये में मिलेगी। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए आज चाहते हैं तो 25 साल बाद इसका नियरली अबाउट 4x या 5x आपको चाहिए रहेगा, तो 4 करोड़ या 5 करोड़ चाहिए रहेगा। अगर आप एक नॉमिनल इन्फ्लेशन का गिनते हैं 5 से 10% का, 4 से 6% RBI कहती है, बट मेरे हिसाब से मिनिमम इन्फ्लेशन इंडिया जैसे कंट्री के अंदर 10% के आसपास आपको अज्यूम करके अपने गोल्स को बनाना चाहिए। इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पोर्टफोलियो में बनी रहेगी और कम पैसे नहीं मिलेंगे आप। तो अगर आपको आज 1 करोड़ चाहिए तो 20 से 25 साल के बाद नियरली अबाउट 4 से 5x चाहिए होगा, जो कि 4 से 5 करोड़ रुपए हैं। क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महंगाई आपके पैसों की बाइंग पावर को कम कर देती है। तो ये कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों को तय करते वक्त, बांधते वक्त जो है ध्यान में रखने होंगे। और इसमें भी हम इन्फ्लेशन को भी गिन रहे हैं, इसमें मेडिकल इन्फ्लेशन भी अलग दर पर बढ़ती है, एजुकेशन इन्फ्लेशन भी अलग दर पर पड़ती है। तो मेरे ख्याल से उन तमाम महंगाई को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लक्ष्यों को आंकना होगा। आगे बढ़ते हैं और रमेश का सवाल मैं लूंगी। आदित्य, आपके पास भी है इनका सवाल, इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। और एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, वो तमाम दर्शक जो कि अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए सीधा
सीधा आप हम तक पहुंच सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और सीधा अगर आप चाहें तो हम आपकी बात हमारे एक्सपर्ट से भी करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर अपने सवाल विस्तार से आप भेज दें। यूट्यूब पर अगर हमें देखते आए हैं और सवाल भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल डाल दीजिए, झटपट आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे और यूट्यूब के ज़रिए ही आपको जवाब मिल जाएगा। अगर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपना सवाल दे दीजिए, क्योंकि वहां आपका नंबर हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ती हूं, रमेश का सवाल मैं लूंगी। आदित्य, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कौन सा मिड कैप फंड अच्छा है? फिलहाल तो मेरे ख्याल से सभी मिड कैप फंड लोगों को बहुत पसंद आ रहे होंगे, सभी तरह के मिड कैप फंड्स पसंद आ रहे होंगे, लेकिन बेस्ट में से बेस्ट कौन सा है ये पूछना चाहिए आदित्य को। आदित्य, तमाम मिड कैप फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम एक मिड कैप क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मार्केट कैप की बात कर रहे हैं, जिसका यूनिवर्स बड़ा होता है, और ऐसे में फ़ायदा वही है जहां पर फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी दमदार हो, है ना। तो अब बहुत अच्छे से चल चुके मिड कैप फंड्स में से कौन से वो ऐसे नगीने हैं, और वो कौन से ऐसे फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी है जो हिट हुई है इस तरह के बाज़ार में? आदित्य बताइए। सबसे पहली बात तो मैम, ये मैं निवेशकों को बताना चाहूंगा कि स्मॉल और मिड कैप्स के अंदर बहुत ही ज्यादा यूफोरिया है इस स्टेज के ऊपर। आप अगर निवेश कर रहे हैं स्मॉल और मिड कैप्स के ऊपर, तो मिनिमम 10 साल का निवेश का टाइम होराइजन लेके चलिए, तभी ही निवेश कीजिए स्मॉल और मिड कैप्स में। यहाँ पे रिटर्न ज्यादा होता है पर वॉलिटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, और एक एक दिन में फंड की एनएवी जो है वो 2-3% गिर जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको 10-15 साल का टाइम होराइजन है, तभी स्मॉल और मिड कैप में निवेश करना चाहिए। अब बात आई कि कौन से फंड्स में निवेश करना चाहिए, मेरे हिसाब से निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक अच्छा फंड है, वहां पे निवेश कर सकते हैं। आप HDFC के मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, वो अच्छा फंड है। आप UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जो कि एक इंडेक्स फंड है, वहां पे भी निवेश कर सकते हैं। ये 3-4 फंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगेन कैवियट यही रहेगा, एक हाईली रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर को ही इस स्टेज पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट बहुत ज्यादा रन अप हो चुकी है, स्मॉल और मिड कैप में बहुत ज्यादा यूफोरिया है। 10 साल के निवेश के साथ, 10 साल के टाइम होराइजन के साथ निवेश करें तब बेटर रहेगा। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे जो निवेशक ने नहीं की है, अपने रिस्क प्रोफाइल को डिफाइन नहीं किया है, और दूसरी बात उसको अपने किसी गोल से नहीं जोड़ा है। तो अगर आप स्मॉल और मिड कैप में निवेश करते हैं तो प्लीज किसी गोल से जोड़िए और उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्मॉल और मिड कैप में रिटर्न तो ज्यादा है पर वॉलिटिलिटी भी ज्यादा है, मैं दूसरी बार रिपीट करता हूँ। बहुत ज़रूरी होगा कि अक्रॉस मार्केट कैप्स जो हैं आप अच्छे से डाइवर्सिफाइड हों, और अपने पोर्टफोलियो को देखिए और उसके मुताबिक कितनी जगह है आपके पास एक मिड कैप को जगह देने के लिए, उसके बाद आप फैसला लें। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल इंद्रेश सिंह का मैं लूँगी, और इनके जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं आदित्य, कैनरा रेबेको का ब्लू चिप फंड है, PGIM इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, SBI का स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, और कैनरा रेबेको का स्मॉल कैप भी है इनके पास। इनको जानना है कि किस तरह के बदलाव करने से इनके पोर्टफोलियो में इनको फ़ायदा होगा। कुछ मार्केट कैप्स में क्या ओवर डाइवर्सिफाइड हैं आदित्य? सबसे पहली बात तो स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर है। हमारे निवेशकों को ये समझना जरूरी है कि अगर आप 10,000 की SIP कर रहे हैं तो 6 फंड्स देने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर एक स्मॉल कैप फंड को लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी 100-200 स्टॉक रहते हैं, वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड रहते हैं, तो वहां पे इतना एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं है कि आप SBI का भी स्मॉल कैप डाल रहे हो, आप निपॉन का भी स्मॉल कैप डाल रहे हो। बहुत सारे फंड से आपकी जो रिटर्न की क्षमता है वो नीचे आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से निवेशक ने बहुत सारे फंड्स लिए हैं, वो एक चेक करने की जरूरत है। दूसरी बात, निवेशक ने जो अपने गोल्स हैं वो गोल्स भी उन्होंने क्वांटिफाई नहीं किए हैं कि उनकी क्या गोल्स हैं और वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी उनको क्वांटिफाई करने की जरूरत है। लार्ज कैप फंड्स में कभी भी आपको एक्टिव फंड्स में नहीं जाना चाहिए। 90% लार्ज कैप फंड जो है वो अंडर परफॉर्म करते हैं मार्केट को, इसीलिए वहां पे केयरफुल रहने की जरूरत है। अब निवेशक से 10,000 रुपये की SIP कर रहे हैं तो मैंने उनके लिए 3 फंड्स की सिलेक्शन की है। वो 3 फंड्स रहेंगे PPFAS टैक्सी कैप फंड, कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड और PGIM मिड कैप फंड। ये तीनों ही फंड निवेशक के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। इन तीनों फंड्स में 10,000 रुपये की SIP इक्वली को स्प्लिट कर दीजिए।
पुराने फंड्स को बंद कीजिए और पुराने फंड्स में से धीरे धीरे निकल के इन फंड्स में आने की जरूरत है। मेरे हिसाब से तीन फंड्स काफी हैं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने इसमें स्मॉल कैप भी डाला है, लार्ज कैप भी डाला है और एक फ्लेक्सी कैप भी डाला है। तो ओवरऑल अच्छा फंड है, अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राइट, चलिए ये बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी इंद्रेश सिंह, और पोर्टफोलियो में फंड्स थोड़े से कम करें और अच्छे फंड्स लें, कम फंड्स लें और आपको मुनाफा उतना ही होगा। वेंकटेश का सवाल मैं लूँगी। आदित्य, इनके पास SBI स्मॉल कैप है, निप्पॉन स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, नवी नैसडैक 100 फंड ऑफ फंड भी है, 43 ईयर्स के हैं, 20 साल के लिए इन्हें निवेश करना है, 1 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए, 7 फंड हैं इनके पोर्टफोलियो में, सभी स्मॉल कैप फंड है। वेंकटेश जी, आप अगर फोन लाइन पर होते तो आपसे और बेहतर तरीके से मैं समझना चाहती थी कि आप इतना एक्सपोजर स्मॉल कैप में क्यों रखना चाहते हैं, कौन आपको रेकमेंड कर रहा है। और केवल आदित्य, ये एक ही दर्शक की ऑब्जर्वेशन नहीं है, मेरे ख्याल से लगातार कुछ महीनों से जो सवाल आ रहे हैं यही देखा जा रहा है कि अधिकतर लोग मिड कैप स्मॉल कैप में ही रैली को देखते हुए उसमें निवेश कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि जब भी आप इस तरह की कोई रैली देख रहे हैं और इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो छोटी अवधि का नज़रिया ना रखें। इस तरह के मार्केट कैप्स में नज़रिया अपना आपको बढ़ाना होगा क्योंकि इनकी एक साइक्लिकल मूवमेंट होती है जिसके हिसाब से ये मार्केट कैप्स परफॉर्म करते हैं और कभी नहीं भी परफॉर्म करते हैं। केवल एक तरह की या एक दिशा में बाजार भाग रहा है उसी के चलते आप कोई फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ले, ये सोच गलत है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से ये नियम गलत है। और आपके लिए तो वेंकटेश साहब, आपने सभी स्मॉल कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, रिस्क आपका बहुत बड़ा है। आप बहुत बेहतर तरीके से अगर अपने आपको डाइवर्सिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपने एक नैस्डैक का फंड लिया हुआ, एक फ्लेक्सी कैप भी है आपके पास, और बेहतर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी इनके लिए आदित्य, और साथ ही इनमें से किस स्मॉल कैप में रहें और किन में से निकल जाएं? मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे बाजार में ऐसा होता है कि जो फंड्स ऊपर जाते हैं उसी को इन्वेस्टर चेस करते हैं, इरिस्पेक्टिव के उनका टाइम होराइजन क्या है। मैं निवेशकों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि स्मॉल और मिड कैप्स को 10 साल के टाइम होराइजन के अलावा बिल्कुल भी ना छेड़ें। 10 साल मिनिमम रहेगा, स्मॉल और मिड कैप में एक यूफोरिया है। अब निवेशक की बात करते हैं, निवेशक ने कई सारे स्मॉल कैप फंड्स खरीद लिए हैं। मैंने क्या किया है, मैंने तीन फंड्स में उनको डाइवर्सिफाई होने के लिए कहा है, स्मॉल कैप फंड्स कम किए हैं ताकि रिस्क जो है वो स्प्रेड हो जाए। तो SBI स्मॉल कैप फंड जो उनके पास ऑलरेडी है वहां पे निवेशक रह सकते हैं, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप फंड वहां पे निवेशक रह सकते हैं, और कनाडा रबेको का फ्लेक्सी कैप फंड। ये तीन फंड्स के अंदर निवेशक अपनी SIP को इक्वली स्प्लिट कर दे, एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप में जो SIPs है उनको बंद करके इन तीनों में स्प्लिट करके उन स्मॉल कैप फंड्स को रिडीम भी करना होगा, और रिडीम करने के बाद इन तीन फंड्स में चले जाए तो बेहतर रहेगा। रिस्क को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ रिटर्न को चेज मत कीजिए, रिस्क को भी अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जब नीचे जाएंगे स्मॉल कैप फंड्स तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और 30-40% फंड भी गिर जाते हैं। तो लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स, इनका एक मिक्सचर बनाइए ताकि आप अच्छे से निवेशित रहे मार्केट का। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी में बदलाव जो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी होगा, और हो सके तो अपना ये सवाल हमें व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप पे क्योंकि आपका नंबर हमें मिल जाएगा तो आपको हम फोन लाइन पर लेंगे और आपको बेहतर समझाइश भी हम दे सकते हैं। अरविंद का मैं सवाल लूँगी। आदित्य, 40 साल की इनकी उम्र है और सरकारी कर्मचारी हैं, 17,000 रुपये की SIP कर रहे हैं ये हर महीना। ये कह रहे हैं कि इनके पास HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, SBI का स्मॉल कैप है, टाटा का डिजिटल फंड है, कोटक का ब्लू चिप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज है, फ्रैंकलिन बिल्डिया है, और 25 लाख इन्हें इकट्ठा करने हैं। रिटायर होने वाले हैं ये जनवरी 2035 में, और 10 लाख का इनका NPS का भी निवेश चल रहा है, और इस निवेश में से ये रिटायरमेंट के बाद कितना हर महीना अपने इनकम के तौर पर निकाल पाएंगे, ये इनका सवाल है। फ़ोन लाइन पर होते तो और भी अच्छा होता अरविंद जी, हम समझ पाते कि अभी आपका मौजूदा खर्च कितना है और उसके हिसाब से आपको बता पाते कि रिटायरमेंट के बाद अगर आपको इसी निवेश में से पैसे चाहिए तो आपको और कितना निवेश करना होगा। फिलहाल
17,000 की SIP और इनके पास लगभग और 20 साल रिटायरमेंट के लिए। आदित्य मैम, जो कि इन्वेस्टर का टाइम होराइजन है उसके हिसाब से अब निवेशक कोई स्मॉलर मिड कैप फंड में निवेश ना करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब टाइम होराइजन 10 से 12 साल है जो कि कॉन्स्टेंटली नीचे आता जाएगा, और स्मॉलर मिड कैप फंड की जो टाइम होराइजन मैच नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, आप निवेशक को इन सारे फंड में से निकल के, मैं 3 फंड सजेस्ट कर रहा हूँ निवेशक को, एक UTI Nifty 50 इंडेक्स फंड, एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और तीसरा कैनरा रबेको फ्लेक्सी कैप फंड। तीनों फंड्स रिस्क को है आपके पोर्टफोलियो में कम कर देते हैं। आपके पास 10 साल का टाइम होराइजन है, 10 साल के टाइम होराइजन में ये सारे जो फंड्स है वो परफेक्ट है। धीरे धीरे करके आपको 6 7 8 साल में इन इन सब फंड से निकल के एक डेट डेट प्रोडक्ट में घुसना पड़ेगा। डेट प्रोडक्ट में घुसने के बाद आप वहां से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हर महीने जो भी पैसे आपके घर खर्च के लिए चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आप टाइम होराइजन क्या लेते हैं अपने रिटायरमेंट का। मेरे हिसाब से आप जब रिटायर होंगे उसके बाद 25 से 30 साल की आपकी लाइफ रहेगी, और उसके हिसाब से आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के विड्रॉल को कैलकुलेट करना होगा। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहेगा, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को एक फाइनेंशियल प्लानर से बैठ के आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितने पैसे विड्रॉ करने हैं। पर आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जितने पैसे चाहे उतने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और राइट, चलिए तो थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होगी और कुछ डिटेल्स जो हमारे पास नहीं है, अगर आप दे पाते तो और बेहतर तरीके से आपकी प्लानिंग करते। बहरहाल सवाल और भी हैं, लेकिन इस बीच रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। आदित्य बताइए, आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? मैम, टाइम इन दी मार्केट इज ग्रेटर देन टाइमिंग दी मार्केट। हमने देखा है 3 4 दिन पहले मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ा करेक्शन आ गया था एक ही दिन के अंदर, और सब लोग मार्केट में बहुत पैनिक हो गए थे। अब आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको SIP को कंटिन्यू रखना है। मार्केट के सबसे अच्छे दिन होते हैं वो सिर्फ 30 दिन होते हैं, पर वो कौन से 30 दिन होते हैं हमको आइडिया नहीं है। इसके लिए हमें निवेशित रहना होता है हर टाइम मार्केट में, मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए या करेक्शन हो, तो आप निवेशित रहे मार्केट के अंदर। बिल्कुल अपने SIP को नियर टर्म के उतार चढ़ाव से चालू या बंद मत कर दीजिए। जब मार्केट करेक्ट कर रही है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, और जब मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो अगले 10 15 20 साल में अगर आप मार्केट में निवेश करके आराम से बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अंदर बाहर म्यूचुअल फंड में मत कीजिए, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा, टैक्स भी लगेगा, और जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टाइम स्पेंड कीजिए मार्केट के अंदर रादर देन बाई सेल और हर रोज की डेली मूवमेंट को ट्रैक करने के बजाय। और राइट, तो चलिए इसी गुरु मंत्र के साथ फिलहाल इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्ग